पुलिस को देख करके लोग भागने लगे, परंतु तीन को मौके वारदात से पकड़ लिया गया और तीन भागने में सफल रहे। नारकोटिक्स जिसको कहने गांजा देशी भाषा में, वो भी बरामद हुआ। इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने स्वीकार किया कि इन लोग अपराध करने के उद्देश्य से यहाँ पे। सिंहेश्वर थाना अंतर्गत दिनांक तारीख को विशेष अभियान चलाया गया था। इस क्रम में सिंहेश्वर थाना को अच्छी उपलब्धि मिली है और कुछ कांडों का उद्भेदन भी हुआ और कुछ कांडों को होने से बचाया भी गया। सर्वप्रथम सिंहेश्वर मेला में एक सूचना मिली कि दो मोटरसाइकिल पे कुल छह लोग अपराध की योजना से अपराधकर्मी आए हुए हैं। इस सूचना पर सिंहेश्वर थाना के मेला प्रभारी पुवानी बबलू कुमार अपने सहयोगी पुलिसकर्मी के साथ में गए तो वहाँ पे छह लोग दो मोटरसाइकिल के साथ में थे। पुलिस को देख करके लोग भागने लगे, परंतु तीन को मौके वारदात से पकड़ लिया गया और तीन भागने में सफल रहे। पकड़ाए अपराधकर्मी से नाम पता का पूछताछ किया गया तो पता चला कि उसमें से दो मुरलीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक जो है जानकी नगर पूर्णिया के रहने वाले हैं। इन लोगों की जब तलाशी ली गई तो इनके पास से दो देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। उसके अतिरिक्त चार मोबाइल फोन बरामद हुआ और 380 ग्राम नारकोटिक्स जिसको कहने गांजा देशी भाषा में, वो भी बरामद हुआ। इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने स्वीकार किया कि इन लोग अपराध करने के उद्देश्य से यहाँ पे जुटे हुए थे। और इस गिरफ्तार अपराधकर्मी में राजेश कुमार एवं प्रतीश कुमार जो मुरलीगंज का रहने वाला है, इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है और लूट जैसे कांड में ये जेल भी गए थे और एक महीना पहले ही छूट करके आए हैं और फिर से योजना इस तरह की घटना देने का योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस की तत्परता से एक बड़ी घटना होने से बच गए और लोग इसमें संलिप्त अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। शेष बचे अपराधकर्मियों को भी पुलिस तलाश में जुटी है, बहुत जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लेगी। इसके अलावा कल ही उसी विशेष अभियान के दौरान में 4 तारीख को ही एक और शातिर अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है। बीते दिन 8 फरवरी को रात्रि में कमरगामा के पास से बेलोरो पिकअप की लूट हो गई थी, जिसे उस समय तो पुलिस ने बड़ी तत्परता से बोलेरो पिकअप लूटी गई जो थी उसको भी बरामद किया और उसमें संलिप्त एक अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया था, परंतु शेष उसमें से भाग गए थे। उसी में से एक जो है कल पकड़ा गया, इसका नाम राजा जादव है और ये रहने वाला बसहा टोला सिंहेश्वर का है। इसे भी हम लोग जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं, ये भी पुलिस के लिए एक अच्छी उपलब्धि है। इसके अलावा इस क्षेत्र में एक नए तरह की चीज की शुरुआत हुई है हाल के दिनों में, खास करके रूरल क्षेत्रों में बिजली तार काटने की घटनाएं प्रकाश में आनी शुरू हुई थी। इसी घटना से जुड़े हुए एक अपराधकर्मी को कल गिरफ्तार किया गया जो मिथिलेश कुमार स्वर्गीय भूपेंद्र यादव लालपट्टी कराने वाले हैं। ये तार काटते हुए ही रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं और इनके गिरफ्तारी के पश्चात इसमें संलिप्त कुछ और लोगों का नाम का खुलासा हुआ है, उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन लोगों की गिरफ्तारी से इस तरह की घटनाएं पर भी अंकुश रहेगी।